अपने आप को देखेंगे सीधा एक विशाल मंदिर में। याद करें द्वापर युग से हम दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्माओं की पूजा हो रही है। संपूर्ण एकाग्र होकर सोचिए जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही हो वो कितने चरित्रवान होंगे, कितने शक्तिमान होंगे, कितने दिव्य बुद्धिवान होंगे, कितने ज्ञानवान होंगे, कितने महान होंगे। विचार करिए, मैं आत्मा पूजनीय है, वंदनीय है, अपने आप को देखें एक विशाल मंदिर में स्थापित मेरी विशाल मूर्ति। अपनी मूरत को स्पष्ट रूप से देखिए, सर से पांव तक। श्वेत संगमरमर की बनी ये सुंदर मूरत जिसमें हीरे रत्न और स्वर्ण जड़ा हुआ है, जिसका उठा है वरदानी हस्त, और जिसके नैनों से शक्तियों की शीतल फव्वारें पड़ रही हैं। जब भक्त आत्माओं को अपने शीतल फव्वारों से तृप्त कर रही है, मैं अष्ट भुजाधारी दुर्गा, मेरी आठों भुजाओं में अलंकार, मैं अलंकार धारी, स्वयमान धारी, मैं वरदानी मूरत, मैं भक्त आत्माओं को वरदान दे रही हूं। भक्त आत्माएं अपने दुख सुना रहे हैं,
आरती गा रहे हैं। घंटियां बजा रहे हैं। अपने ईष्ट की मूरत की परिक्रमा दे रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं। जगराते कर रहे हैं। जय जयकार कर रहे हैं। मैं ईष्ट देव और देवी इन्हें वरदान दे रही हूँ। हे आत्माएं सदा सुखी भव, सदा शांत भव। सदा प्रसन्न चित्त भव। आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। आत्माएं हर्षित हो रही हैं। अब मैं आत्मा, मैं शिव शक्ति, शिव से कंबाइंड, मेरे मन के तार शिव से जुड़े हैं। शिव बाबा की सर्व शक्तियां इस तार के माध्यम से मुझ में प्रवेश कर रही हैं। मुझ में समाती शिव की शक्तियां जो मुझे ही शिव शक्ति बना देती हैं, और ये शक्तियां वायुमंडल में फैल रही हैं। संपूर्ण वायुमंडल को चार्ज कर रही हूं मैं श्रेष्ठ महान आत्मा।
परमात्म शक्तियों की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही हैं और चारों ओर के वायुमंडल को चार्ज कर रही हैं। हर एक स्थान को ही मंदिर बना रही हैं। कोई भी स्थान आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। हर एक स्थान के वाइब्रेशंस मंदिर जैसे बन गए हैं। देखिए चारों तरफ सभी आत्माएं विचर रही हैं, किंतु ये वाइब्रेशंस इन आत्माओं के चित्त को शीतल कर रही हैं। आत्माओं के जीवन में ये पवित्र वाइब्रेशंस हर्षोल्लास भरती हैं, उमंग उत्साह दिलाती हैं। सर्व आत्माओं के मस्तक पे संतुष्टता का तिलक लगाती हैं। अब सभी आत्माओं को एक साथ घर में देखें, परम धाम घर में, जहां पर हम आत्माएं अपनी निराकार स्थिति में स्थित रहती हैं। अपने घर को याद करें, सब कुछ भूल जाएं, ना कोई विचार, ना कोई संबंध, ना कोई इच्छा, ना देहे, ना देहे के पदार्थ, केवल मैं आत्मा बिंदु। वापस लौट चुकी हूं अपने घर। वहां लौट चुकी हूं जहां से धरती पर आई थी। Thank you.
परमानंद की अनुभूति कर रही हूं मैं आत्मा। जब कोई बोझ ना हो, जब कोई बंधन ना हो, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। मैं बिंदु बाप की बिंदु संतान, अपने बिंदु बाप की गोद में समाई हूं। जहां मेरे मन में कोई ऐसा संकल्प उठ ही नहीं सकता जो मुझे रंचक मात्र भी हैवी करे, जहां मुझे कोई ऐसा विचार आ ही नहीं सकता जो मेरी शांति को भंग कर सके। ये है ही शांति धाम जहां मैं आत्मा शांति सागर में डूबी हुई हूं। जहां मैं आत्मा प्रेम के सागर की आगोश में हूं,
जहां मैं आत्मा, उठती प्रेम की लहरों में खेल रही हूं। जहां मैं आत्मा, बेहद शीतलता का अनुभव कर रही हो। अब मैं आत्मा इस शीतलता को, इस प्रेम को, इन शक्तियों को स्वयं में भर कर धीमे धीमे नीचे की ओर आने लगती हूँ। नीचे आ रही हूँ, नीचे आकर अपने पंच तत्वों के देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं बहुत लाइट हूं, बेहद लाइट। ओम शांति।